ऑन द पाल्मिस्ट्री सीरीज अब हम जानेंगे कि स्पेस बिटवीन द फिंगर अंगुली के बीच में जो स्पेस है वो कितनी ज़्यादा और कितनी कम है, इससे हम कैसे व्यक्तित्व के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1, 2, 3 और 1, 4, ये टोटल 4 गैप्स हैं अंगुली के बीच में। तो हम जानेंगे कि एक एक करके हर एक गैप किस तरीके से आपके हाथ में है, चाहे तो कम होगा या तो इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा होगी, ऐसे ही इनमें भी होगा। तो आइए हम जानते हैं। अगर आपके हाथ में सारे गैप्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम लवर हैं। ऐसे लोग बोल्ड होते हैं और उनका जो एक्शन और थॉट होता है वो भी काफ़ी बोल्ड होता है। अब हम बात करते हैं जिनकी भी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर की जो गैप है वो बहुत ही कम है, नैरो है। तो ऐसे लोग फ्रीडम को एंजॉय करने वाले होते हैं, डील विद अफेयर्स, काफ़ी थॉटफुल होते हैं, दे मेक देयर डिसीजंस ऑफ देयर ओन, वेरी रीजनेबल होते हैं और इनको अपने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग्स करना पसंद होता है। वहीं बात करें ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर की गैप अगर ज़्यादा है, वाइड है, ऐसे लोग अपने लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर उतने ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं। ऐसे लोग तभी डिसीजन लेते हैं जब इनके लिए कुछ फ़ायदा का बात होता है। ऐसे व्यक्ति लास्ट मोमेंट में एफर्ट मारने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में पहले बहुत ही चीज़ों को कम्प्लीटली इग्नोर करके चलते हैं। अब बात करते हैं ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर की जो गैप है बहुत ही ज़्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू अदर गैप्स। ऐसे लोग इंडिपेंडेंट थिंकर्स देखे गए हैं। ऐसे लोगों को नहीं पसंद होता है कि कोई इनके काम में या इनको इंटरफेयर करे, नहीं तो ऐसे लोग पॉइजनस स्नेक बन जाते हैं। ऐसे लोग औरों को बाइट भी कर सकते हैं, तो इनको डिस्टर्बेंस नहीं पसंद होता है। ऐसे लोग काफ़ी सेल्फ विल्ड पर्सन होते हैं और काफ़ी स्टबबॉर्न भी देखे गए हैं। अब बात करते हैं ये लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर की गैप बहुत ज़्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू अदर गैप्स। ऐसे व्यक्ति का इंडिपेंडेंट माइंड सेट होता है। ऐसे लोग नहीं पसंद करते हैं कि कोई इनके काम के बीच में इंटरफेयर करे। ऐसे लोग चाहते हैं कि आप अपना काम खुद ही करें तो बेहतर है। ये आपको अपने हाथ को एक बार क्लोज करना है और स्लोली इसको रिलैक्स्ड वे में ओपन करना है और जो नेचुरल जो गैप्स होंगी उसी को रीड करना है। अपने हिसाब से आप ज़बरदस्ती गैप को बढ़ा या कम नहीं करना है आपको। जब आप हाथ को बंद करते हैं और जब खोलते हैं तो आपकी फिंगर्स अगर ट्रेम्बल्स करती है, अगर थर थराती है, तो इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति कोई मेंटल फैटिक से गुजर रहा है। उसको अल्कोहल या कोई एडिक्शन हो सकता है या उसका सेक्सुअल डिसफंक्शन देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि जब आप हाथ को बंद करें और खोलें तो कोई भी स्पेस ना हो, यानी कि सारे फिंगर्स क्लोजली टाइट हो। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होता है अपने लाइफ में, थॉटफुल होता है, कंजर्वेटिव होता है और प्रैक्टिकल होता है और सेल्फिश भी देखा गया है, यानी कि स्टबबॉर्न होता है और बहुत ही ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल होता है। दूसरों से ज़्यादा उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते ऐसे लोग। वहीं बात करें, ऐसा भी हो सकता है कि हाथ क्लोज करते वक्त और ओपन करते ही सारे गैप्स बहुत ही ज़्यादा वाइड हैं, एक से बढ़कर एक। तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी एम्बिशियस होता है, रेस्टलेस होता है, जेनरस होता है और लैक ऑफ इकोनॉमिक व्यू होता है, मतलब इकोनॉमिक नज़रिए से अपने लाइफ को नहीं देखता है, एंड सफ़र फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉसेस। तो ज़्यादा वाइड गैप होना भी ठीक नहीं है। अगर आपके थंब और इंडेक्स फिंगर के जो गैप है बहुत ही ज़्यादा वाइड है, बड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति ब्रॉड माइंडेड होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, औरों पर डिपेंडेंट होते हैं, इनको कॉन्फिडेंस बहुत ही कम होती है और काफ़ी सब्जेक्टिव देखे गए हैं ऐसे पर्सन।